चलिए दोस्तों, फिर एक बार आरआर मूवीज लाइव की तरफ से मैं आपके सामने हूँ। लॉकडाउन हो चुका एक बार फिर, मेरे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर काफ़ी संकट में आ गए और दूसरा लॉकडाउन अभी चालू होने वाला है, ऐसा कई स्टेट से आ चुका है। मेरा टेक्निकल बातों की वजह से और एक आज एक सपोर्ट करना चाहता हूँ कि हर वीडियोग्राफर फोटोग्राफर को अगर कोई टेक्निकल बात समझ में आ गई और वो टेक्निकल बात अपने बिजनेस में अगर वो अप्लाई करता है और दो पैसे कमाता है आपके फैमिली के लिए, तो उसकी जो दुआ मिलती है वो उसकी कीमत नहीं होती। इसी बात को लेकर मैं सभी को आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय भीम, नमस्ते। भाइयों फोटोग्राफर वीडियोग्राफर, एक ध्यान दीजिए कि आजकल लाइव स्ट्रीमिंग यानी कि फेसबुक है आपके पास, यूट्यूब है आपके पास, गूगल बाबा है आपके पास, काफ़ी सारे सोर्स है जिससे आप स्ट्रीमिंग कर सकते हो, लाइव कर सकते हो, आपका वीडियो एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। या और मानिए कि गूगल का जो स्टोरेज कैपेसिटी है काफ़ी बड़ी है कैपेसिटी, प्राइवेट वीडियो भी आप स्टोर कर सकते हो, चाहे वेडिंग वीडियो हो, चाहे ओपनिंग सेरेमनी हो, चाहे जो भी फंक्शन होते हैं आमतौर पर फंक्शन होते हैं, वो सभी का वीडियो आप सेव कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक टेक्निकल बात देने वाला हूँ। अगर ये बात आपको पूरा वीडियो आखिर तक सुनिए, सभी टेक्निकल बातें आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये बातें कभी समझ में नहीं आई तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपका जो भी प्रॉब्लम है ये भेज सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपके पूरे क्वेश्चन को मैं आंसर दे सकूँ। दोस्तों कि आज अपने पास अच्छे प्रोफेशनल कैमराज है, आज अपने पास लैपटॉप है, कुछ चीज़ें लगती है, जैसे कि मेरे हाथ में एक डोंगल है, छोटा सा डोंगल है, इसको कहते हैं HDMI टू USB कन्वर्टर। सिंपल है, कम कीमत वाला दाम है। इसके साथ दो एसेसरी लगती है, एक लगता है HDMI केबल, यानी कि आपके जो फंक्शन चल रहा है लैपटॉप का, ये 50 फीट का भी आता है, 15 फीट का भी आता है, HDMI टू HDMI रहता है। ये HDMI केबल आपको इसमें इंसर्ट करना है, ये पिन में इंसर्ट करना है, ये डोंगल में इंसर्ट करना है, और ये इस USB के द्वारा आपका वीडियो आपके लैपटॉप के ऊपर आ जाएगा। आपके लैपटॉप के ऊपर आपके पास है OBS नाम का सॉफ्टवेयर, सिंपल है, 34 MB का सॉफ्टवेयर है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो लैपटॉप के ऊपर। थोड़ा सा एक ध्यान दीजिए कि आपके लैपटॉप की स्पीड यानी कि सी ड्राइव थोड़ा सा फ्री होना चाहिए। बस काम कीजिए, OBS सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, आपके हर कैमरे में चाहे 1500 हो, NX200 हो, NX100 हो, 150 हो, AGC90 हो, JVC, कैनन, निकॉन, सोनी, पैनासोनिक, सभी दुनिया के कैमरे में हर कैमरा का आउटपुट HDMI निकलता है। इस HDMI से आपका वीडियो अगर आपके लैपटॉप के ऊपर OBS के ऊपर दिखता है तो मानो आपका लाइव सक्सेस, आप लाइव कर सकते हो। करना क्या है आपको, आपका जो OBS सॉफ्टवेयर है, OBS सॉफ्टवेयर के सेटिंग में जाके इसकी एक लिंक आपको, जहां आपको लाइव करना है, यूट्यूब पे लाइव करना है तो यूट्यूब पे उसकी कॉपी लिंक करके इसको पेस्ट कीजिए, फेसबुक पे करना है तो फेसबुक पे पेस्ट की दीजिए, तो आपका ये वीडियो वहां तक पहुंच सकेगा। लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में जो आम स्टूडेंट 8वीं 8th प्लस 10th प्लस का भी बच्चा लैपटॉप ऑपरेट कर सकता है आपके साथ में बैठकर, तो इसके लिए दो बातें जरूरी है। एक तो आपको ऑडियो इनपुट, जैसा आप वीडियो ट्रांसमिट करते हो तो एक मानिए, एक ध्यान रखिए, ऑडियो इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि मैं अभी हाल ही में काफी लोगों के देख चुका हूं 4K का कैमरा यूज करते हैं, वीडियो 4K, ऑडियो घोर के यानी उसमें हैमिंग होती है, हिसिंग होती है, ट्रबल ऑडियो होता है, ये नहीं होना चाहिए। आप अगर कस्टमर से अगर पैसा लेते हो, दो पैसे लेते हो, तो यू विल बी प्रोफेशनल, ब्रॉडकास्ट क्वालिटी होनी चाहिए। फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिए, जैसा कि आपका वीडियो क्वालिटी का आता है तो मानिए आपका ऑडियो भी क्वालिटी का होना चाहिए। जैसा कि आप देख चुके हैं, मेरे यहाँ पे कॉलर माइक लगा चुका है, इनपुट ऑडियो प्रॉपर, मेरी हर बात ये साउंड तक आपको शार्प सुनना देना चाहिए। जब भी कोई छोटे मोबाइल पर अगर वीडियो देखता है उसकी साउंड की क्वालिटी ब्रॉडकास्ट क्वालिटी होनी चाहिए। उसके लिए आपको एक ऑडियो केबल बनाना चाहिए, सिंपली ऑडियो केबल है जिसके ऑक्स XLR इनपुट बोलते हैं इसको, एक सिंपल मिक्सर के लिए एक पिन आती है सिंपल, और ये केबल बनाते समय फ्रेंड्स ये केबल बनाइए 50 फीट का, ताकि आप स्टेज से 50 फीट 20 फीट पे वर्क करते हो। लैपटॉप का वायर एक 25-50 फीट का लैपटॉप का वायर और एक केबल वायर और एक डोंगल, ये अगर तीन चीज़ आपके पास हो तो आप प्रोफेशनल लाइव कर सकते हो, स्ट्रीमिंग कर सकते हो। भाइयों आपके लिए मेरा एक सुझाव है, आई एम नॉट ए प्रोफेशनल, आई एम नॉट ए बिजनेसमैन, लेकिन आई एम ए गाइडलाइनर, आई एम ए मेंटोर,
मेरा हक बनता है कि हर फोटोग्राफर आपके फैमिली के लिए, उसके बच्चे के लिए, उसके स्कूल के लिए कुछ दो पैसे कमाए। फ्रेंड्स, ये 50 फीट का केबल और इस डोंगल की कीमत, मैं ओनली वीडियोग्राफर के लिए, मैं ये कमर्शियल बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपके सुविधा के लिए। तो 1999 में ये सेट हाल ही में मार्केट में, जो फोटोग्राफर मुझे मेरे लिंक से है, मेरे फेसबुक पे फेसबुक फ्रेंड है, या मेरे व्हाट्सएप फ्रेंड है, या मेरे यूट्यूब के फ्रेंड है, उनके लिए मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ। ताकि ये मैं बिजनेस बोल के नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा ना हो सके कि आप कहीं फंस ना जाए। आप कहीं कंप्यूटर के सेंटर के दुकान पर गए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अगर आपने कह दिया, और ताकि वहाँ अगर प्रॉब्लम आ गई तो कॉस्टिंग ज़्यादा हो गई, तो आप बिना वजह आप फाइनेंशियली लॉस में आ जाएंगे। इसके लिए ये दो चीज़ों की कीमत, एक ऑडियो केबल 50 फीट एंड ESDMI कन्वर्टर, ये दोनों की कीमत 1999 में इस व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मैं आपको भेज सकता हूँ। तो आप कीजिए, आप स्ट्रीमिंग के ये बिजनेस में आ जाइए, दो पैसे कमाइए। चलो इसके साथ रुकता हूँ आज मैं। आर्यम सुरवे, RR मूवीज़ नांदेड़ से। थैंक यू, गुड बाय।